हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट दिया है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन करना होगा फॉर कल्पकाम, तारापुर एंड मुंबई। दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज है, इसमें एज लिमिट कितना दिया है और एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कैसा होगा, सब चीज़ देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, इसमें पहला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें टोटल वैकेंसीज है 6, UR की 3, OBC का 1, SC और ST का 1-1 है। इसका क्वालिफिकेशन दिया है 10th क्लास और इसमें आपकी मिनिमम स्टेनोग्राफी का स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश चाहिए और टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। एज लिमिट दिया है 18 से 27 साल और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC और 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स और पे स्केल लेवल 4 है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसमें 1 आवर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। मार्किंग सिस्टम दिया है इसमें, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और इसमें लेवल 2 में स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद सेकंड पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें टोटल वैकेंसीज है 11, UR की 4, PWS की 1, OBC की 2, SC की 2 और ST की 2 वैकेंसीज है। इसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास है और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस जरूरी है और LMV का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस और हेवी का 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास रहना मैंडेटरी है। इसमें भी एज लिमिट सेम दिया है 18 से 27 साल, इसका पे स्केल लेवल 2 है और मोड ऑफ सिलेक्शन भी इसका सेम है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 1 आवर का और मार्किंग सिस्टम भी इसमें सेम दिया है, लेवल 2 में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद थर्ड पोस्ट है वर्क असिस्टेंट, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 72 है, UR की 20, EWS की 3, OBC का 15, SC का 15, ST का 12 और PWD का 7 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास चाहिए, एज लिमिट 18 से 27 साल, पे स्केल लेवल 1 और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें 2 टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट भी 1 आवर का होगा, इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होगा। मार्किंग स्कीम भी सेम है। लेवल 2 देखिए इसका स्कीम कैसा है, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और इसमें 2 आवर्स दिया है फ्रेंड्स। और मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन, साइंस का 15, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन और बेसिक इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी मार्किंग स्कीम सेम दिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट ओनली लेवल 2 के बेसिस पर रहेगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब दिया है। उसके बाद अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 1 सर्विसमैन के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए दिया है यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स आपको 100 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और SC ST PWD वुमन एंड 1 सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फीस 0 रहेगा। यहाँ पे जनरल कंडीशन दिया है, आपको 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। ये दी गई वेबसाइट पे recruit.bark.gov.in पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है,
copies of certificate to be submitted at the time of second stage of selection process. इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एससी एसटी ओबीसी, एक सर्विसमैन, ये सब इनका प्रूफ आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है पूरी नोटिफिकेशन। आपको इसी और अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।